देखिए, हमको ऐसा लगता है कि जो हमारे पार्टनर है या साथ में काम करते हैं, या हो सकता है कि अपना अपने कंपनी में सीईओ हो, कि जो अपने बराबरी का काम करता है, या अपने घर का भी व्यक्ति हो, जो भी है, होता यह है कि हम ये सब की बात करते हैं कि अब पार्टनर भी बोले तो भी एक वो आपके साथ में काम करने वाला, कंधे को कंधे मिला के काम करने वाला, मिलाकर काम करने वाला, वो एक वर्कर ही है। जैसे आप भी वर्कर है आपके बिजनेस में, वो भी वर्कर है और आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं। होता क्या है कि जो आपके साथ में काम करते हैं तो उनको काम करने का उद्देश्य क्लियर नहीं कि वो काम क्यों कर रहे हैं, क्यों उद्देश्य नहीं, मतलब वो आते हैं और उनको एक ही उद्देश्य है कि भाई चलो अपन कुछ धंधा करेंगे, और तो उनको वो उद्देश्य क्लियर नहीं। नंबर एक कि हम क्यों आते हैं। 99% लोग हम जो संस्कार में हम बड़े परवरिश हमारी हुई है, जो संस्कार में हम पले है ना, बड़े हुए हैं, उसमें क्या है कि भाई काम क्यों करो, क्यों पैसे मिलता है करके, लोग पैसे के लिए लोग काम करते हैं। आप समझो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं या कहीं भी आप बाहर खड़े, पूछते हैं वर्कर को कोई भी, भाई तुम क्यों काम पे जाते हैं, तो लोग बोलते हैं इसमें क्या पूछना है, मैं पैसे कमाने के लिए जाता हूँ काम पे। तो आपके साथ में जो काम करते हैं आपको दिक्कत इसलिए आती है कि उनका जो संदर्भ है काम करने का या उनका जो उद्देश्य है काम करने का, वो एक तो क्लियर ही नहीं उनको, वो क्यों आते, वो पैसे के लिए आते हैं। और जब पैसे के लिए आदमी आता है तो उसको क्या 10 से 6 बजे तक काम करने का है, या एक टाइम पे काम करने का है, उसको बताने का है कि मैं काम कर रहा हूं, नंबर एक। नंबर दो, ऐसा हो सकता है कि मतलब उसके जो उद्देश्य है वो उद्देश्य के लिए उसको क्लियर नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आपके जो उद्देश्य है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो उसको क्लियर नहीं है। आपका एक उद्देश्य है कि मैं ये उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं, मेरा संदर्भ ये काम करने का है, तो आप वो एक बड़ा उद्देश्य लेके काम कर रहे हैं। आपका जो पार्टनर है वो काहे के लिए आ रहा है, पैसा कमाने के लिए आ रहा है, मतलब आपके दोनों के उद्देश्य अलग अलग। उसको तो टाइम काटने का है, जितना पैसा मिलता है उतना लेने का है, वो उद्देश्य के लिए काम नहीं कर रहा है। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भाई आपको पैसा कमाने का है ना, मैं बोलता हूँ आपको पैसा कमाने का, बोलते हाँ, फिर मैं बोलता हूँ ऐसा काम करो, कैसा कि आप काम के लिए काम करो, उद्देश्य पूर्ति के लिए काम करो, पैसे के लिए आप काम करो मत, आप इतना पैसा कमाओगे कि आपको गिनती नहीं आएगा। मगर हमको दिमाग में लोगों को आता नहीं है, पट्टा नहीं, बोलते नहीं हम तो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे। तो आपका जो उद्देश्य है, आपका उद्देश्य और उसका उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका जो उद्देश्य है वो अलग है और आपका उद्देश्य अलग है। उसका उद्देश्य शायद पैसा कमाने का नहीं होगा और कुछ होगा, और उसका उद्देश्य उसके दिमाग में अलग है। जैसा अभी हमारे बैंक में एक व्यक्ति को लगाया काम पे, और वो इसलिए आया था कि भाई अपन बैंक में रहे तो लोगों को बोलते आता कि शादी में मतलब लड़का क्या करता भाई तो बैंक में काम करता है ना। उसका क्लियर था कि जब तक लड़की मिलती नहीं और शादी होते हैं तब तक बैंक में काम करने के बाद में तो अपन खेती कर रहे हैं और वो किसान है। तो उसने बोले मैं जितना चाहे उतना डिपॉजिट लेता हूँ, जितना चाहे उतना शेयर लेता हूँ, जो भी मर्जी आप जो बोले करता हूँ, मेरे को नौकरी दो आप, और मैं आपको कोई तकलीफ दूंगा नहीं, मेरे को तनख्वाह दिया नहीं चल जाएगा, है ना। उसका उद्देश्य मतलब कहने का मतलब उसका सामने वाले का उद्देश्य क्या है, वो ऐसा आदमी समझो आता है तो क्या काम करेगा, वो कौन सा काम करेगा, उसका उद्देश्य अलग है। तो ऐसे कुछ अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। कुछ लोग टाइम पास के लिए काम करने जाते हैं, कुछ लोग अच्छा दिखने के लिए काम करने जाते हैं, भाई क्या काम करता नहीं अभी फैक्ट्री है, कोई लोग अपने बच्चों को फैक्ट्री लगा के देते हैं, वो इसलिए लगा देते कि नहीं अच्छा लगता है कि भाई चलो बच्चे को काम पे लगा दिया, लगता है चलो बोलने के लिए कि बाहर देखो बच्चा क्या काम करता है। एक कॉमन है जो लोग बोलते रहते, हम शेयर में ट्रेडिंग करते हैं और शेयर का काम करते, बोले शेयर का काम तो डेफिनेटली क्या करते हैं शेयर का काम, तो कोई बोल नहीं सकता शेयर का काम करता क्या है, मतलब ये ट्रेडिंग करने में तो कोई अमीर हुआ है, मेरे को ऐसा दिखता नहीं, बहुत ही कम लोग है कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे को चल नीचे ऊपर मार्केट में खलास हो जाते लोग, तो फिर ये करता क्या है, तो बोलते नहीं लोग। कहने का मतलब ये है कि उसका उद्देश्य अलग है, आपका उद्देश्य अलग है, उसको उद्देश्य ही नहीं है पहले मैंने बोला, फिर आपके उद्देश्य में वो मतलब ये नहीं है, सहमत नहीं है ना, उसका उद्देश्य अलग हो रहा है, उसको उद्देश्य नहीं होगा या आपके उद्देश्य में सहमत नहीं होगा तो पैसे कमाने के लिए आ रहा है। तो इन शॉर्ट क्या है कि जब आपका और उसका उद्देश्य जब एक नहीं होता तब तक आप ऐसे टीम काम नहीं कर पाओ। तो आप और वो और आपके साथ में काम करने वाली टीम एक ही उद्देश्य से काम कर रहे, उनका उद्देश्य एक ही है, तो फिर वो हो सकता है, नहीं तो नहीं होता हूं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई आपके साथ में काम करने वाले जो लोग हैं, आपका पार्टनर होगा, आपका स्टाफ होगा, नहीं क्या, तो वो सबको आपके उद्देश्य में उनको सहमति उनकी लेनी पड़ेगी, उसमें उन्होंने कोऑपरेट करना चाहिए, उसने उसके लिए आ रहे, वो यदि पहले से उनको मालूम है कि हम काहे के लिए यहाँ आ रहे, तो फिर होगा ठीक।
नहीं तो फिर उद्देश्य अलग अलग तो काम करते नहीं लोग। ज्यादातर लोग जो स्टाफ में काम करते तो पेट भरने के लिए आते हैं, उनको टाइम पास करने का। 6 बजे लोग तो 5 बजे से ही तैयारी करते हैं 6 बजे जाने की। एक तो 10 बजे आते तो आने के बाद में ऑफिस में आने के बाद में लैट्रिन बाथरूम जाना, फ्रेश होना वगैरह आने के बाद, मतलब रिपोर्टिंग टाइम एक बार थम लगा दिया कि भाई अपनी एंट्री हो गई, अटेंडेंस लग गया, आने के बाद में फिर अपना वो टॉयलेट फ्यूलेट जाना सब करेंगे, पानी पीने पिएंगे, फिर वहीं डब्बा खाएंगे, भूख लगी है तो चाय पीने के लिए, मतलब आने के बाद में वो काम करना खुद का चालू करते हैं क्योंकि अटेंडेंस लगाना पड़ता है। दोपहर को कहाँ गया आदमी, तो चाय पीने गया, खाना खाने गया, और शाम को 6 बजे यदि धंधा मतलब ये ऑफिस का टाइम खत्म होता है तो 5 बजे से वो अपना घुंडालना चालू कर देता है कि अपने को तो 6 बजे आने का है। ऐसा काम करते लोग तो वो जब तक नौकरी करेंगे, टाइम पास कर रहे हैं, जिनको पैसा तो भी करके टाइम निकालने का है और अपने पैसे के लिए काम करना है, तो अपना दिमाग बहुत फोड़ना पड़ता है। इसलिए हरदम आपको वो काम करने का उद्देश्य जो है वो उनके साथ में क्रिएट करना पड़ेगा कि आप काम क्यों कर रहे हैं। लोगों को ये समझ में आता है कि आप तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आपने कितना है, तो आप भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं और वो भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर क्या वो काम करें। यदि आपका कुछ उद्देश्य है, जो बड़ा उद्देश्य है, बड़ा गेम है, बड़ा उद्देश्य है ना, कि जिसके लिए आप काम कर रहे होंगे, तो उसमें वो भी एनरोल हो जाएंगे, वो भी बोलेंगे ठीक है हम तैयार है काम करने के साथ में, हम आपके साथ में हैं करके। तो ऐसा है कि जो भी जहाँ भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ उनके साथ में क्रिएट करो कि आप क्यों आते हैं काम पे, काम पे क्यों आना चाहिए, और वो यदि उनका क्लियर नहीं होता तब तक काम चालू करने में मतलब नहीं है।